यदि आप लोग भी एक ब्लॉगर हो और अपने ब्लॉग पे चाहते हो कि पुश नोटिफिकेशन को लगाना, जिससे कोई भी आसानी से आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सके जैसे कि YouTube में करता है, तो वही तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटूजेड में। सबसे पहले आप लोग को अपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आके आप लोग को सर्च करना है ट्रूपुश। आपको अपने गूगल में ट्रूपुश सर्च कर देना है। उसके बाद जो सबसे पहला आप लोग के सामने लिंक आ जाएगा, यानी कि वेबसाइट आ जाएगा ट्रूपुश.com का, उस पर आप लोग को क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह का साइन अप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे ये आया ट्रूपुश का, उसी तरह से आप लोग के भी नोटिफिकेशन पे आएगा इसके थ्रू। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आपका अपना ईमेल आईडी इस पे साइन अप करने के लिए चाहिए। तो जो भी ईमेल आईडी से आप साइन अप करना चाहते हो उसको डाल दीजिए। यहाँ पे मैं अपने चैनल का जो ईमेल आईडी है उसको डाल करके मैं यहाँ से इसको डाल देता हूँ। और इसके बाद में स्टार्ट फॉर फ्री टुडे वाले ऑप्शंस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को टाइम लगेगा, दो चार पाँच सेकेंड का। और इसके बाद में ये यहाँ से इसके बाद सारा चीज़ काम करके वो ये यहाँ पे इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, कोई भी आप लोग का अपना नाम दे देना है। मैं अपने चैनल का ही नाम दे देता हूँ A to Z। और यहाँ पे इसके बाद में आप लोग को अपना पासवर्ड कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। जो भी पासवर्ड आप लोग डालना चाहते हो तो वो पासवर्ड आप लोग को डाल देना है। चलिए मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद में एक बॉक्स दिखाई देगा आई एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी के, उस पर टिक करके आप लोग को सिंपल साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग को कुछ पूछे जाएंगे कि आप लोग को वो कैसे फाइंड कर सकता है कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह देने के लिए। तो आप गूगल, जीमेल जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट करके सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जैसे आप लोग इसको सबमिट कर दीजिएगा, यहाँ पे अब आप लोग का फॉर्म यानी कि एक प्रोजेक्ट आप लोग को क्रिएट करना होगा, जो आप लोग के ब्लॉग के लिए प्रूफ नोटिफिकेशन का क्या करेगा, लाने का काम करेगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम मैं अपने चैनल ब्लॉग का नाम ही दे देता हूँ, आप लोग भी दे दीजिए। प्लेटफॉर्म टाइप में आप लोग वेब ही रहने दीजिए। और इसके बाद में आप लोग को डोमेन नेम आप लोग को सर्च देना है। तो डोमेन नेम आप अपने ब्लॉग का पूरा जो नाम है वो आप लोग को लिख देना है। और आगे में आप लोग को HTTPS लगाना भी पड़ेगा, वो कैसे लगाना है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आप लोग को एक अपलोड फाइल करना है, यानी कि आप लोग को कोई भी अपना एक इमेज डाल देना है, जो भी आप लोग के ब्लॉग का है उसको आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। तो मैं चलिए डाल दिया। और इसके बाद में मैं बता दूँ, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे कैसे आप नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं आप अपने ब्लॉग के लिए, तो यहाँ पे इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बेल या फिर ऑप्शन बार इस तरह से, फिर बॉक्स के और बॉक्स प्लस। तो जो भी आप लोग को पसंद आए वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल ब्राउजर डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पर रहने देता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद ये कितने सेकेंड के बाद यानी कि आएगा, तो वो आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी 0 सेकेंड 1 सेकेंड। तो आप लोग 0 सेकेंड ही रहने दीजिए, यानी कि जैसे ही कोई आप लोग का खोलेगा तो पुश नोटिफिकेशन आप लोग के पेज पे दिखाई देने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक वेलकम नोटिफिकेशन, यानी कि जब वो पुश नोटिफिकेशन को अलाउ कर देगा तो वहाँ पे उसको कुछ वेलकम आएगा कि जैसे वेलकम टू जो भी आप लोग का नाम है। उसके बाद उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो या फिर कोई भी लिंक वगैरह आप देना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे डाल करके उसको आसानी से लिंक वगैरह सारा चीज़ दे सकते हो। उसका नोटिफिकेशन इमेज भी थे वहाँ पे, तो उसको कोई भी इमेज भी आप लोग दिखा सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू इतने सारे काम आप लोग कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आकर कुछ नहीं करना, आप लोग को सिंपल सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक आप लोग कर दीजिएगा तो आगे कुछ, पहले मैं बता दूँ वहाँ पे HTTPS को लगाने के लिए आप लोग को यहाँ पे वेबसाइट टाइप वाले ऑप्शन पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा, उस एरो पे क्लिक कर देना है वेबसाइट एरो वाले पे। उसके बाद जैसे ही पे क्लिक करिएगा तो आप लोग को नीचे https://// वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही इस पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद में आप लोग को सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग के सामने कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा,
इसके बाद आप लोग को यहाँ से कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना, सिंपल आप लोग को अपना ब्लॉग ओपन कर लेना है। जैसे ही ब्लॉग ओपन कर लोगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ब्लॉग ओपन करके। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, एक थीम का ऑप्शन दिखाई देगा, थीम वाले ऑप्शन पे आप लोग को चले जाना है। यहाँ से आप लोग को एडिट एचटीएमएल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही एचटीएमएल वाले ऑप्शन पे आप लोग आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग को सिंपल ये जो सारा चीज आप लोग एचटीएमएल दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग को कहीं पर भी क्लिक कर देना है। और जैसे ही इस पर आप लोग कहीं पर भी क्लिक करके और आप लोग को कंट्रोल प्लस एप प्रेस करना होगा, तो आप लोग के सामने कुछ सर्च आ जाएगा। और यहाँ पे सर्च करना है आप लोग को इस तरह से का एरो और बॉडी, उसके बाद में लिखना है। और जैसे ही यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर के आ गया होगा, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जा करके उसको कॉपी कर लेना है। और इसके बाद जहाँ पे लाइन ख़त्म होता है, उसके बाद वहाँ पे कर्सर को ले जाइए, उसके बाद एंटर प्रेस करिए और उसको पेस्ट कर दीजिए जिसको आप लोग ने कॉपी किया था, ठीक है। अब इसके बाद पेस्ट करने के बाद आप लोग को सेव करने का एक ऑप्शन आ दिखाई देगा। सेव वाले ऑप्शन पे आप लोग को सिंपल क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही अपडेट यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली हो जाता है। इसके बाद आप लोग को सिंपल क्या करना है, बैक चले जाना है, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे इसके बाद आप लोग का काम ख़त्म हो जाता है। अब कोई भी आप लोग के सामने कोई भी विजिट करता है, यानी कि आप लोग के साइट पे ब्लॉग पे, तो उसके पास में एक जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ पे शो होने लगेगा। और यहाँ से आप लोग सारे डैशबोर्ड पे जाके देख सकते हो कि ये पुश नोटिफिकेशन के थ्रू कितने सब्सक्राइबर वगैरह आप लोग के बढ़े हैं, ये सारे चीज़ यहाँ पे जा करके देख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हो। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।